पहली बार का जो दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हैं। आपका उर्स मनाया जाता है बड़े अकीदत के साथ। दीवान शाह बाबा ने मुर्गा खाने की फरमाइश कर दी तो आपने जैसे इशारा किया वहाँ से मंदिर हट के यहाँ आ गया, और यहाँ आने के बाद नवली सरकार के आस्थाने को चमन करवाने का काम किया। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम। मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान शाह, और आज हम आ चुके हैं सरजमीन देवगढ़, जिला राजसमंद, राजस्थान। और चलिए पहली बार का हज़रत सैयद महबूब अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में, जो दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हैं। आइए चलते हैं बारगाह में और यहाँ के नज़ारों से लुत्फानंदोज होते हैं। या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो चलते हैं बारगाह में और आप भी नजारों का लुत्फ लेते रहें और दुरूद सलाम पेश करते रहें। दोस्तों, जिस दरगाह का आप नज़ारा देख रहे हैं, आप सैयद महबूब अली शाह सरकार हैं, कुतुब अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हैं, और दीवान शाह बाबा हज़रत अब्दुल रज़ाक साहब उर्फ दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद भी हैं। हर साल 12 से 14 रजब के अंदर आपका उर्स मनाया जाता है बड़े अकीदत के साथ। रही करामात के बारे में, तो हज़रत की कुछ करामातें मशहूर हैं, जिनमें से एक मरतबा 3 या 4 साहिबान आपकी बारगाह में तशरीफ़ लाए थे, जिनमें मऊ वाले बाबा और दीवान शाह बाबा भी शामिल थे। दीवान शाह बाबा ने मुर्गा खाने की फरमाइश कर दी तो आपने कुछ बच्चों को कुछ पैसे देकर बाजार भेजा घी लाने के लिए। बच्चे घी लाकर पहुँचे तो मऊ वाले बाबा ने मुंह लगा कर वो की पी लिया। शाम को महबूबली सरकार आए, पूछा खाना बना के नहीं बना, तो बच्चों ने अर्ज़ की कि मऊ वाले बाबा मुंह लगा कर सारा घी पी गए। तो आपने इरशाद फरमाया कि जाकर देखो बर्तन में, तो बच्चे जब गए देखा तो उस बर्तन के अंदर घी मौजूद था। आपकी एक और करामात मशहूर है कि देवगढ़ राव आपकी बारगाह में मौजूद थे और शाम का वक्त हो चला था, तो उनके पूजा का वक्त हो रहा था तो आप निकलना चाहते थे। महबूबली सरकार ने कहा कि कहाँ जाना चाहते हो? मेरे पूजा का वक्त हो रहा है इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। तो इस पर आपने कहा कि भाई पूजा तो कहीं पे भी की जा सकती है, क्यों ना यहीं पूजा कर लो। कि नहीं, ये मेरे कुल देवी देवताओं का मतलब कि पूजा है, तो मुझे वहीं जाकर करनी पड़ेगी जहाँ पर वो मंदिर है। तो इस पर आपने कहा कि अगर तुम कहो तो उस देवी देवताओं को यहीं बुला लिया जाए, तुम यहाँ पूजा कर लो। तो राव साहब ने कहा भी कि हाँ ठीक है, बुला लीजिए आप। तो आपने जैसे इशारा किया वहाँ से मंदिर हट के यहाँ आ गया, और राव साहब ने पूजा अर्चना की। इस वाक्य से राव पर क्या असर पड़ा, इससे तारीख खामोश है, लेकिन ये भी आपकी करामतों में से मशहूर करामत है।
सैयद महबूब अली सरकार, आप कुतुब अली सरकार के साथ ही अजमेर से जयगढ़ तशरीफ लाए थे, और आपके मज़ार के आजू बाजू जितने मज़ार हैं वो कुछ खादिमीन के हैं और कुछ गढ़ में काम करने वालों लोगों के हैं। इनमें से एक मज़ार है काला बाबा की, जो कि बॉम्बे से आप निकले थे और दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान शरीफ में आपने हाज़िरी दी। मुसलसल 12 दिन तक आपको दरगाह के अंदर हाज़िरी नसीब ना हुई, आप बुलंदरवाजे तक जाते लेकिन उससे आगे ना जा पाते। ये काला बाबा का मज़ार है, और आखिरी दिन जब आपको इजाज़त मिली, आप बारगाह में हाजिर हुए तो दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बशारत हुई आपको, और आपको ये खिदमत दी कि मेरे ऊपर फूलों की चादरें डली हुई है और वहाँ मेरे पीर मुर्शिद अकेले बैठे हैं। तो फिर आपने वहाँ से देवगढ़ की तरफ कूच की, और यहाँ आने के बाद महबूब अली सरकार के आस्थाने को चमन करवाने का काम किया। ये लियाकत बाबा की दरगाह है जो आपके यहाँ पे खिदमत गुजारी करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सवाबे जारिया समझते हुए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है अगला वीडियो आप ही के शहर, आप ही के गांव की दरगाह का हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।